शेषो दौदी पूर्व भाद्रपद दू था झाया उत्तरा भाद्रपद दे दो चौची रेवती। नमस्कार मित्रों, ये ज्योतिष संग्रह पुस्तक है और काफ़ी दिनों से आप लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ज्योतिष के बारे में कोई वीडियो बनाइए जो ज्योतिष से संबंधित हो, जिसमें राशि आदि के बारे में पता चले, नक्षत्र आदि के बारे में पता चले और जिसमें नक्षत्रों के जो चार चरण होते हैं उनके बारे में पता चले और किस चरण से कौन सी अक्षर से कौन सी राशि बनती है, कौन सा नक्षत्र आता है, इसके विषय में पता चले। इसलिए ये वीडियो आप पूरी देखें, आपके समझ में आएगा। चार चार अक्षरों के नक्षत्र यानी चार चार अक्षरों से एक नक्षत्र संपूर्ण होता है। जैसे चू चे चोला अश्विनी नक्षत्र में आते हैं चारों चरण, लीलू लेलू भरणी में आते हैं, आ ई ऊ ए कृतिका में, ओ वा वी वू रोहिणी में, वे वो काकी मृगशिरा में, कु घांग छ आर्द्रा में, के को ह ही पुनर्वशु में, हे हो होडा पुष्य में, डी डू डे डो श्लेषा में, मोमी मू में मघा में, मोटा टी टू पूर्व फाल्गुनी और टेटो पपी उत्तर फाल्गुनी, पूषण ठ हस्त में और पेपोरारी चित्रा में। इसी तरह से रू रे रोता स्वाति में, ती तू ते तो विशाखा में, नौ नी नू ने अनुराधा में, नो या ई यू ज्येष्ठा में, ये यो भ भी मूल में, भू ध फाडा पूर्वशाला में, भे भो ज जी उत्तराशाला, ज जे जो खा अभिजित में, ख खी खू के श्रवण में, ग गी गू गे धनिष्ठा में, गोशा शीशु शतविशा नक्षत्र, शेषो दौदी पूर्व भाद्रपद दू थ झ उत्तरा भाद्रपद दे दो चौची रेवती। तो ये 27 नक्षत्र हैं, इनके ये चारों चार चरण हैं सबके। मान लीजिए जैसे किसी का नाम राहुल है तो उसका कौन सा नक्षत्र होगा, तो हम इसमें रा अक्षर को देखेंगे। रा अक्षर कहाँ पे आप देखें, ये आ गया रा अक्षर, पे पो रौरी यानी उसका चित्रा नक्षत्र होगा। मान लीजिए किसी का नाम अमिताभ है तो उसका नक्षत्र हम उसका आ अक्षर ढूंढेंगे। सब नाम का पहला अक्षर ये चूचे चोला लीलू लीलू अ यानी कृतिका का पहला चरण आ। तो इस तरह से आप नक्षत्रों को जान सकते हैं चरण के अक्षर के हिसाब से। अब ये नीचे लिखा है और नौ अक्षरों की एक राशि होती है, मतलब चूचे चोला लीलू लेलो आ यानी चार ये और एक ये हो गई मेष राशि। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ वो तक ये हो गई वृष राशि। इस तरह से एक राशि में नौ अक्षर होते हैं यानी नौ अक्षर की एक राशि होती है। अब और नौ अक्षरों की एक राशि होती है जैसे चू चे चोला ली लू ले लो आ, इन नौ अक्षरों की मेष राशि हुई। इन नौ अक्षरों में जिनके नाम का पहला अक्षर होगा उसकी मेष राशि होगी। ऐसे ही ये 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के नाम आगे लिखे हैं। मान लीजिए किसी का नाम लाली है, ला से तो पहला अक्षर है ला, तो उसकी राशि कौन सी हुई मेष। मान लीजिए किसी का नाम अनामिका है या आदित्य है तो उसकी राशि हुई मेष। तो इस तरह से आप राशि आदि को समझें। अब यहाँ पर हम समझेंगे नौ अक्षरों की राशि, दो अक्षरों की राशि यानी जो नौ अक्षर किस किस राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं, और आप अपनी राशि भी इस हिसाब से समझ जाएंगे कि आपका क्या नाम है और आपकी कौन सी राशि है। मान लीजिए ये अक्षर अगर राशि आपके नाम के पहले अक्षर हैं ये, तो आपकी मेष राशि हुई। कौन कौन से, चू चे चोला ली लू ले लो आ मेष राशि। अगर ये अक्षर आपके नाम में पहले आते हैं ई ऊ ए ओ वा वी वू वे वो, उसकी हुई वृष। मान लीजिए ये आते हैं क की कु घ ग छ के को ह, उसकी हुई मुथुन। ये आते हैं अगर ही हु हे हो डा डी डू डे डो, उसकी हुई कर्क। म मी मू मे टा टी टू टे, उसकी हुई शिंग। मान लीजिए ये अक्षर आपकी आपके नाम में पहले आते हैं जैसे टो प पी पू श ठ पे पो, तो आपकी राशि हुई कन्या। अगर ये आते हैं र री रू रे रो ता ती तू ते, तो आपकी राशि हुई तुला। अगर आपके नाम में ये अक्षर पहले आते हैं तो न नी नू ने नो या ई ऊ वृश्चिक, ये यो भ वी भू ध फ ड भे धन, भो ज जो ख खो खु खे ग गी मकर, गु गे गो सा सी सु से शो द कुंभ, द दू थ झ य दे दो चौची मीन राशि। यानी ये अक्षर
जो अपने नाम के हिसाब से आप अक्षर को देखें और उस हिसाब के अपनी राशि को अपने आप समझ जाएं। मान लीजिए जैसे आपका नाम है तरुण, तो यहाँ पर इस चार्ट में हम ता को ढूंढेंगे तो ता यहाँ पर यह है, तो आपकी राशि हुई तुला। मान लीजिए आपका नाम है, किसी लड़की का नाम है मान लीजिए हिमांशी, तो ये ही यहाँ पे लिखा है, तो उसकी राशि हुई कर्क। इस तरह से आप समझ सकते हैं। शवा दो नक्षत्रों का एक चंद्रमा होता है, जैसे अश्विनी भरणी कृतिका के एक चरण तथा मेष का चंद्रमा होता है। जिसका अश्विनी नक्षत्र का जन्म होगा या भरणी का कृतिका के एक चरण का होगा उसकी मेष राशि होगी। तो इस तरह से आप राशि को समझें, यानी नौ अक्षरों से एक राशि बनती है और जो आपके नाम में पहला अक्षर है वो यहाँ पर देख कर आप अपनी राशि को देख सकते हैं और चार चरणों से एक नक्षत्र बनता है। तो इस तरह से आप अपनी राशि के नक्षत्र को देख लें और अपनी राशि को देखें अपने नाम के नाम के पहले अक्षर के अनुसार। तो मुझे आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें।